हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन और कोर्स से रिलेटेड कुछ अपडेट की जी। तो जैसा आपको पता है कि प्लस टू के बाद कई अपॉर्चुनिटी निकलती हैं, जैसे आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सेक्टर में। तो उनसे फर्स्ट टॉपिक आज हम लेकर आ गए हैं आर्ट के बारे में, बीए के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे जी। तो फर्स्ट हमारा ये है कि बीए के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फुल नेम इसका है बैचलर ऑफ आर्ट, और इसका जो ड्यूरेशन है नॉर्मली 3 साल का रहता है। अगर आप प्लस टू के बाद बीए करते हो तो हर यूनिवर्सिटी में 3 साल का रहता है, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हो इन इंडिया। एलिजिबिलिटी आफ्टर प्लस टू आपका क्वालिफाइड होना चाहिए विद 50 जनरल वालों के लिए एंड 45 फॉर अदर्स। अगर आपके इतने परसेंटेज है तो आप एलिजिबल हैं फॉर बी एडमिशन के लिए। इसमें परसेंटेज में कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी और रिलैक्सेशन दे देती है कि 40 तक भी, वो यूनिवर्सिटी के कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन दे देती है। जो भी है आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। नॉर्मली जो परसेंटेज रहता है वो ये रहता है। एडमिशन प्रोसेस नॉर्मली क्या रहता है, डायरेक्ट रहता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अगर स्कॉलरशिप आप अगर आपको इशू करके दे दी तो, जैसे प्राइवेट या, तो वो एंट्रेंस बेस्ड रहता है, और जितने आपके परसेंटेज रहते हैं उसके आधार पर आपकी फीस डिसाइड की जाती है। लेकिन जो मेजोरिटी होती है वो डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो। एवरेज फीस की बात करें तो इसमें 3,000 से लेकर 75,000 तक की भी फीस यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में मान लो 3,000 और इसमें ये है तो वो अलग अलग फैसिलिटी। हालांकि इसमें ये कोर्स फीस है, रहने खाने पीने का अलग से रहता है। रहने खाने पीने का वो आप एसी नॉन एसी वो उस वाइज अलग अलग रहता है जी। और ये किस कैटेगरी में आता है, ये यूजी प्रोग्राम कहा जाता है इसे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्योंकि बैचलर डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट है, आफ्टर प्लस टू प्रोग्राम होते हैं। मोड इसका, मोड ये दोनों होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज प्रेफर किया जाता है, सेमेस्टरली भी ईयरली भी। सेमेस्टरली साल में 2 बार एग्जाम के लिए आपको यूनिवर्सिटी में या जो भी सेंटर है वहाँ देना रहता है। ईयरली वाइज साल में 1 बार, चाहे वो आपका दिसंबर बैच हो या जून बैच, उस वाइज होता है। नहीं तो नॉर्मली जो बैच डिसाइड किए जाते हैं वो या तो जून या जुलाई, जून या दिसंबर, ये फाइनल किया जाता है। स्ट्रीम इसमें अलग अलग रहती है, जैसे मान लो 40+ है, जैसे बीए में जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद पोल साइंस और भी फाइन आर्ट, हिस्ट्री, तो काफ़ी इसमें स्ट्रीम रहती है। वो आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप करना चाहते हो वो, या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो तो उसको चेकआउट करने के बाद फिर आगे आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल बीए से रिलेटेड। होप्स हो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियो और चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।